रोहतक विच एक निजी स्कूल के अध्यापक मुकेश दागर ने किसान अंदोलन के समर्थन में खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी तो पहला उन्होंने फेसबुक से लाइव आके किसानों के लिए अपने दिल का दर्द बयान किया। लगभग 45 साल हैंडीकैप्ट अध्यापक मुकेश दागर ने खुदकुशी तो पहला कहा कि उन्होंने मौत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेवार हैं। उन्हें कहा कि किसानों की स्थिति को देखते हुए मैं बहुत परेशान हाँ। उन्हें कहा कि सरकार नहीं सुन रही, इसलिए मैं कुर्बानी दे रहा हाँ। उन्हें वीडियो जारी करने तो बाद जहर खा के जान दे दी। वीडियो में उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा नहीं रहती। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब तुम ऊपर आओगे तो तुम्हें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। थाना चंडेर के एक नवा पिंड की रहने वाली महिला का कतल करने वाले उसके प्रेमी को थाना चंडेर की पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया। इस वालों प्रेमिका के घर आने तो मना करने के गुस्से में प्रेमिका का कतल कर दिया गया। इस संबंधी अज अपने दफ्तर विखे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DSP अजनाला श्री विपिन कुमार ने की दस्या, आओ देखते हैं। सिंह वासी चित्तौड़गढ़ हूँ गोल्डन कलोनी नवा पिंड चंडेर च किराए पर रहा है। यदि पत्नी गुरमीत कौर और भी ये नाल रही है, दो बच्चे ने। इसने सानू कल सवेरे इतलाह दी कि वो काम ते गया होया सी, तो जदों शाम नू काम तो वापस आया तो इसने जसबीर सिंह सानू महेंद्र सिंह रेजिडेंट ऑफ बल बाबा पिंड है ये घर के जड़ा वेरी वाइफ गुरमीत कौर एक कमरे के बंद करके अंदरों कुंडी बंद सी, और जो इन्हें खिड़की जो देखा तो ये दोनों लड़ रहे सी। और जड़ा जसबीर सिंह दोषी है, इन्हें एक प्लास्टिक की रस्सी के नाल गुरमीत कौर का जड़ा गला बहुत मतलब कुटिया होया सी, और इसनों जड़ा रौला पाते पाते जड़ा इसने गला कुट के यदा कतल कर दिता। एक पिछले करीब 6-7 साल तो गुरमीत कौर दे नजायज़ संबंध जिहड़े जसबीर सिंह नाल सी, और इन्हों दा आपस में काफ़ी मेलजोल सी। और हुण जिहड़ी गुरमीत कौर है इसनू रोकदी सी कि इस दे घर विच ना आया करे, इस गल तो ही इन्हां दोनों का तकरार होया और इस रंजिश करके जसबीर सिंह ने जिहड़ा गुरमीत कौर का कतल कर दिता। अज असी काफ़ी इनू असी कतल करन तो बाद दोषी जिहड़ा उतों भज गया सी, और असी वख वख टीमां तैयार करके नहीं असी अज जिहड़ा सवेरे अरैसट किया, तो इनू मानयोग अदालत विच कल पेश कराया जाऊगा। तफ्तीश चल रही है। इस दे संबंध च मुकदमा नंबर 23 मिति 4/4/21 अंडर सैक्शन 302-506 IPC PS चंडेर च दर्ज रजिस्टर करके और असी पूरी डीपली इहदी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पवित्र सरोवरों में जल सप्लाई करने वाली हंस की चली आ रही सेवा का जायजा लैन मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला अज अचेते तौर पर पहुंचे और इस हंसनी की हो रही कार सेवा का जायजा लिया। MP फंड के हंसनी की सेवा संबंधी सहयोग करने की गल भी आखी। इस मौके गलबात करते गुरजीत सिंह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अब सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे इतिहासक बुंगा रामगढ़िया के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया। इस मौके बोलते हुए SCPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने की कहा, आओ देखते हैं। साडा इतिहास जड़ा है वो कई थावां ते लुकिया पिया है। संगत दे सामने साडे योधियां दा इतिहास साडे शहीदां दे इतिहास जावे तो असी आने वाली पीढ़ियां नूं ताकत दे सकते हैं, जिंदगी दे सकते हैं और बहादुरी वाला जीवन जीवन की उत्थों प्रेरणा लै सकते हैं। तरन गुरु रामदास जी दे बगल दे विच ये रामगढ़िया बुंगा जड़ा ये बहुत पुराना जदों साडा इतिहास है कि जदों तरन गुरु गोबिंद सिंह तो बाद सिखा ने 12 मिसलां बनाईयां, वो 12 मिसलां दे जड़ा रामगढ़िया मिसल सी उहदा सरदार सी जस्सा सिंह रामगढ़िया, और ये बुंगा जड़ा इहदे च बैठ के वो जदों जदों श्री हरिमंदर साहब दी हो रही सी उसारी जिस वेले दुबारा अहमद शाह अब्दाली ने इहनूं समाप्त कर दित्ता सी, दुबारा उसारी हुई उस वेले इत्थे बैठ के सारे गुरमते हुंदे सी, इत्थे सारे बैठ के अहमद शाह अब्दाली वर्गियां दे हमलिआं तों बचाउंदे सन।
सो इस इतिहास नूं संगतां तक पहुँचाउणा। इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कोल बहुत समय तो सिखां दी बड़ी वड्डी जिहड़ी मंग सी कह लो जां उहनां दी इत्थे बेनती बार बार करदे सी हुकम लांदे सी ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अपना फर्ज पहचानिया कि सचमुच ही जे इत्थे संगत आवे तो उस इतिहास तो कुछ लैके जाए। इहदा एक नक्शा तैयार किया गया, प्रोजैक्ट तैयार किया गया जिहदे विच उस इतिहास नूं डिपिक्ट किया जाएगा, ऑडियो विजुअल राही उस इतिहास नूं दस्या जाएगा, इस इहदा सुनहरी इतिहास दिखाया भी जाएगा, उत्थों बोलिया भी जाएगा, उत्थों गाया भी जाएगा, उत्थों सुनिया भी जाएगा और इत्थे ही आके लोग अपनियां खोजां करनगे उन्हां मिसलां दे बारे, खोजां भी कीतियां जा सकदियां। सो मैं समझदी हाँ कि उस इतिहास नूं उजागर करना साडा फर्ज बनदा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 21 नूं मता किया सीगा कि इत्थे लांघा जिहड़ा उह तैयार किया जाए, पर क्योंकि लांघा उदों तैयार करन दा फायदा जदों असीं पहलां इहनूं तैयार कर लई, जे अंदर जाण ते कुछ बणिया ना होवे, नवीनीकरण ना होवे, इहदा इतिहासक बिल्डिंग जिहड़ी है इमारत उह वी इसे तरह रहे, इहदा नुकसान भी ना होवे, किसी इट नूं ना छेड़िया जाए, किसी इतिहास की कोई एक भी इहदी जिहड़ी है उह किसी नूं छेड़छाड़ ना कीता जाए, तो इतिहास भी इन्ना सुनहरी इतों उकरिया जाए कि जदों संगत अंदर बड़े वो गौरव ना बाहर निकल के कहे कि सचमुच ही सिख कौम का इतिहास एक गौरवमय इतिहास है। सो उहदे वास्ते अज क्योंकि सिखां दी मंग सी वो असीं अज शुरू इसलिए किया कि इहदा नवीनीकरण करन वास्ते जल्दी असीं इहदा प्रोजैक्ट रिपोर्ट साडी कोल बन गई है, असीं आर्कीटेक्ट बुलावांगे, कारीगर बनावांगे, विद्वान बुलावांगे, किस ढंग नाल इहनूं प्रिजर्व किया जा सकता, किस ढंग नाल इहनूं अगे दस्सिया जा सकता, क्योंकि इह ते जदों आ 1984 विच भी हमला होया उदों भी इहदे अंदर तीसरी मंजिल दे उत्ते गोले डिगे है, बंब डिगे है, इहदे गोलियां लगियां होईयां, उहनां नूं वी किद्दां सी प्रिजर्व किया जा सकता। सो बहुत कुछ इहदे विच लुकिया होया, इहदे अंदर बहुत कुछ है, उहनूं लोकां दे विच जाहर करना पएगा और लोग आ के उत्थे माण दे नाल उस इतिहास तों जाणगे। इहदे किन्नी कु लागत आउंदा माण? देखो लागत का तो जी इस वेले प्रोजैक्ट तैयार किया सी उहदा कितने तकरीबन है 10 करोड़ रुपया। उस प्रोजैक्ट नूं असीं सुधाई करते हैं जां अगे वधाने हैं, अगे किन्नी बनती इहदी लागत, किन्ना कु वाधा हुंदा, किन्ना कु घाटा हुंदा उह बाद विच दस्सिया जाऊगा। फिलहाल जिहड़ा प्रोजैक्ट तैयार किया सीगा बड़ा वधिया प्रोजैक्ट तैयार किया होया, उहदी काम कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपये दा उहदा हिसाब लिखिया होया। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਸਰਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਵਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MC ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ और वधाई देना चाहना पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं, जिन्हां दी 4 साल की कारगुजारी ते पंजाब के लोगों ने मोहर लाई है, उत्थे नाभे ने भी लाई है और कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी और पूरे देश की प्रधान सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी नूं वधाई देनी चाहना कि पंजाब की अज पहली कमेटी है, बाकी भी भावें इलैक्शन होनी ने, प्रधानगी की चोण इत्थे होई है और सर्वसम्मति दे नाल वड्डी गल ये हुई है कि सर्वसम्मति दे नाल भावें कांग्रेस कोल बहुत ज़्यादा मैंबर सीगे पर फिर भी जिहड़े 2-4 मैंबर 5 सीगे दूसरे उन्होंने भी सहमति प्रगटा के कोई इलैक्शन नहीं हुई, सारिआं ने सर्वसम्मति दे नाल प्रधान, सीनियर वाइस प्रधान ते वाइस प्रधान की चोण हुई है, जिस साढ़े शैंटी साहब जिहड़े पहलां प्रधान सीगे रह चुके ने वह प्रधान, सीनियर वाइस प्रधान दिलीप कुमार बिट्टू जी और वाइस प्रधान सुजाता चावला जी बने ने लेडीज़ तो, और मैं उन्हां नूं भी वधाई देनी चाहुंदा और सारे समुचे कमेटी नूं जिहड़े मैंबर चुन के आए ने अज इह कमेटी बनी है और मैं समझदा कि उस तरह ही है कि गवर्नरी राज तों बाद जदों लोग वडीकण यार अपने चुने नुमाइंदियां दी सरकार आए ते अज नाभे च वी 1 साल तों बाद भावें काम बहुत वधिया हो रहा सी पर लोगों नूं रीझ हुंदी है कि साडा MC होवे, साडे प्रधान होण, उन्हां तों ज़्यादा काम करावांगे, अज उह लोक राज आ जिहड़ा लोकां दे नुमाइंदियां दी कमेटी बणी है। इस गल दी मैं सारे नाभे नूं वधाई देनी चाहुंदा और सारे जिहड़े MC ने उहनां नूं वी वधाई देनी चाहुंदा। मैं पहलां तां बहुत ही धन्नवादी हाँ सरदार साहिब सिंह धर्मसोत जी, कैबिनेट मंत्री पंजाब,
जिन्हों के जो उन्होंने सोच सदका नाभे के विकास कार्ज होए ने वो विकास कार्जा करके समुची कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। पहला भी उन्होंने आशीर्वाद रहा, उन्होंने फंड लियांदे परमात्मा की कृपा के नाल नाभे का विकास चल रहा है। वो साड़ी नगर कौंसल नाभा जो है पूरे बहुमत के नाल कांग्रेस की इतने साढ़े एम सी चुने गए, तो जो भी कोई आजाद भी सके उन्होंने भी कांग्रेस को प्रभावित होकर सारे साढ़े पिछे आ गए। तो अच्छ सर सांझे साड़ी इतने चोन का मंत्री साहब के अगवाई चोन सी कन्वीनर साहब लगे हुए थे एस डी एम साहब, परंतु सारे ने सर्वसम्मति नाल शहर वास्ते मंत्री साहब के जो कामों देखते हुए सर्वसम्मति नाल इतने चोन हुई है। 23 कौंसलर ने सानू सर्वसम्मति नाल चुनिया। मैं मंत्री साहब का समुची कांग्रेस पार्टी का समूह उपरली लीडरशिप साढ़े महाराणी परनीत कौर जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्हें धन्यवाद करदा, तो जो विश्वास दवाना कि मंत्री साहब ने मेरे च मुड़ तो विश्वास जो प्रगटाया वो पिछे जो साढ़े शहर के अधूरे काम ने, वैसे तो मंत्री साहब की रहनमई हेठ सारे काम चल रहे हैं गे, जो अधूरे काम ने असी बहुत जल्द पूरे करके देवे ता कि 2022 की इलैक्शन आ रही है मुड़ तो कांग्रेस की सरकार बने, तो सरदार साध सिंह धर्मसोत जी इतों फिर जित के वजीर बन परमात्मा करे तो सारी साड़ी कांग्रेस की सरकार बने। धन्यवादी हाँ सरदार साधु सिंह धर्मजोत जी का जिन्हों की रहनमई अज नगर कौंसल नाभा की चोण हुई, और मुबारक दिना मैं सारे शहर वासियों को भी जिन्होंने मंत्री साहब ने अज सारे पंजाब पहला नंबर लिता है, ये हर काम पहला नंबर लेंदे हैं। अज ये कमेटी का भी पहला नंबर है पंजाब बूणी इतों हुई है, कांग्रेस की कमेटी बनी है, ऐ सारे पंजाब कांग्रेस की कमेटियां बनगियां। और धन्यवादी हाँ इन्हों का जिन्होंने इन्नी वधिया टीम के पहला टिकटा दित्तियां उही वधिया चुन के आई, तो वधिया ही उन्होंने मैंबर अज इत्थे कमेटी के प्रधान वाइस प्रधान सीनियर मीत प्रधान जो चोन हुई है, असं इन्हों के विश्वास जो इन्हें साढ़े पूरा रखा है उवें इन्हों के विश्वास से खरे उतरांगे और नाभे का रल मिल के सारे विकास करांगे। जिवें इन्हां दी टीम इत्थे कोई पार्टीबाजी नहीं है, सारे रल मिल के असी शहर के विकास लई इकट्ठे होए हां ते इकट्ठे ही रहांगे और सारे ही रल मिल के नाभे की बेहतरी लई काम करांगे। ਮਲੇਰਕੋਟ ਲਾਗ ਜੇ ਸਿਰਫ 800 ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਪੁਲ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟ ਲਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟ ਲਾਗ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ 800 ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਬਣਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਟਾਂ सिर्फ कोरोना की वजह नाल होया क्योंकि कोरोना आ गया इन्हां दी जिहड़ा साडा इह सीगा पुल दा की कहांगे ठेकेदार उन्हें की गलती की उन्हें जिहड़ी अपनी लेबर सी उन्हूं पेमेंट करती वो पेमेंट लैके रातों रात साइकिलां खरीदियां उन्होंने भज गई तो फिर इस करके वो वाले लेबर नहीं मिली जिस लेबर की जरूरत सी तो इसलिए थोड़ा जहा ये टाइम लगे धड़ेबंदी ये कांग्रेसियों की हुई मैं तो अजीब सवाल तो सुन रही हाँ। देखो हूँ वो शुरू होया हो सड़कों का सारा काम आ रहे पुल हूँ बन गया यदा भी इतों साइड तो जोड़े रहा सीवरेज पैना वह भी पै जाएगा और सड़कां भी हुण सारियां बनी रहियां ने थोड़े सामने कैप्टन साहब बहुत चिंतित ने ते चिंतित ने ते मैडम बड़ियां बड़ियां रैलियां भी हो रही हैं जिवें कि अकाली दल वल्लों रैलियां कीतियां जा रहियां ने ते आम आदमी पार्टी वल्लों कीतियां की तुहाडी सरकार तुसीं कैबिनेट मंत्री हो भी इहनां ते लगाम लगाऊगी आम आदमी इहदे विच किस रहा है? देखो नहीं जिस तरह हुण सीएम साहब ने कहा है कि गैदरिंग का थोड़ा जिहा घटाता उन्होंने कि गैदरिंग इस तों बाद नहीं होनी चाहिए मास्क लगा के रखो तुसीं अपना भी नीचे किया हुआ है ठीक है ना सवाल तो तुसीं भी मेरे तो पूछ रहे हो तुसीं खुद अपना मास्क नहीं लगाया हुआ इसे इन्होंने किसी भी मीडिया वाले ने देख लो किसी ने मास्क लगाया हुआ सवाल तुसीं उह जिहा पुछो पहले खुद उन्होंने इंप्लीमेंट करो
खुद करो, खुद लगाओ, ता तुसी दूसरियां नूं कहो कि जी देखो असीं भी मास्क लगाया, तुसीं भी लगाओ ताकि आपां बीमारी तो बचे रहिए। ठीक है ना मैडम, ट्रैक ने जिहड़े कना लोकां नूं जदों हैवे लाइसेंस बनवाउण वास्ते जाणा पैंदा तां मोहाणे जाणा पैंदा, तां कोई संगरूर जिले दे विच वी इस तरहां दा हैगा वी जिहड़ा बन सके लोकां नूं जिहड़ा उत्थे ना जाणा पवे ट्रेनिंग लैण वास्ते? नहीं देखो, ट्रेनिंग लैन वास्ते पैसे तो असी ट्रेनिंग जिहड़ी हैगी आ हर डिस्ट्रिक्ट दे विच कीती होई है, हाईवे दी नहीं पर हाँ वो ट्रैक उत्थों ही लैके लैना पएगा हले फिलहाल, फिर असी सोचांगे कि करना हैगा, जल्दी कुछ ना कुछ असी करन जाणा। ठीक चलो। अच्छा मैडम, मेन गल इह है वी जिहड़े हुण शहर दे विच काफ़ी ज़्यादा तो जिहड़ा हैगा कई जगह ते पट्टे वी पए ने, काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया उहनां नूं पट्टियां नूं, ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੋ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪੀਡ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।